मोबाइल का डेटा हमेशा ऑन रखें तो क्या होगा, और आखिर जापान के लोग अपने दांतों को काले रंग से डाई क्यों करते हैं, और आखिर भारत की इस जगह पर लोगों के सर पर ही नारियल क्यों फोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि अगर आपने इस कोड को अपने फोन में डायल कर दिया तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। इन्हीं तरीके के रैंडम फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 20, एक फिल्म मेकर मूवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने समय में जो मूवीज रोम में बनती थी उनमें हकीकत में लोगों को ऑन स्क्रीन ही मार दिया जाता था, और इस काम के लिए स्पेशली उम्र कैद की सजा झेल रहे अपराधियों को लिया जाता था, जिससे अपराधी भी खत्म हो जाया करता था और उस मूवी की टीआरपी भी बढ़ जाती थी। नंबर 19, क्या आपको पता है कि इटली के एक लॉ के अनुसार अगर वहां पर कोई भी इंसान भूख के चलते हुए खाना चुराता है तो उसे वहां का कानून सजा नहीं देता, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि भूख के लिए की गई चोरी कोई भी चोरी नहीं होती, और वास्तव में ये लॉ काफी ज्यादा अच्छा है। क्या इसे इंडिया में भी लाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 18, BMW जैसी लग्जरी कार खरीदना हर किसी इंसान का सपना होता है, लेकिन क्या हो कि अगर एक इंसान इसी BMW कार को कूड़ा उठाने वाली कार में ही बदल दे। असल में रांची के प्रिंस राज श्रीवास्तव ने BMW कार की सर्विस से परेशान होकर इस कंपनी से बदला लेने के लिए अपनी 45 लाख रुपए की कार को ही कुछ इस तरीके से कूड़ा उठाने वाली कार में ही बदल डाला है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर ये कंपनी उन्हें अच्छी सर्विस नहीं दे सकती तो उनकी गाड़ी कुछ इस तरीके से कूड़ा उठाने के ही लायक है। नंबर 17, अक्सर हम चिप्स का एक बड़ा पैकेट आसानी से पूरा खा जाते हैं और खाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कुछ खास खाया ही नहीं है, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि चिप्स के हर एक पैकेट में वैनिशिंग क्लोरिक डेंसिटी केमिकल को डाला जाता है, जो कि हमारे ब्रेन के साथ रिएक्ट करके उसको ऐसे सिग्नल देता है कि मानो हकीकत में हमने कुछ खाया ही नहीं है, और इस चीज को बड़ी बड़ी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बखूबी जानती है, इसलिए वो इस केमिकल को जानबूझकर चिप्स के पैकेट में डलवाती है। नंबर 16, आज डॉग्स को पालना एक तरीके से फैशन बन चुका है और इसलिए हर साल हमें नई नई डॉग ब्रीड्स भी देखने को मिलती, लेकिन क्या आपको पता है कि इजिप्ट और ईरान में पाई जाने वाली सोलोको की ये डॉग ब्रीड पूरे ही अर्थ की सबसे पुरानी डॉग ब्रीड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है, यानी कि हम इंसानों ने अर्थ पर जिस डॉग ब्रीड को सबसे पहली बार देखा था वो यही थी। नंबर 15, क्या आपको पता है कि साल 2016 में ग्लोबली की गई एक रिसर्च ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस रिसर्च में ये बताया गया कि सिर्फ समुद्र में ही इतना सोना बेकार पड़ा है कि अगर वो सारा निकाल लिया जाए तो इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के हिस्से में 1 किलो सोना आएगा, जिससे डाउट हमारे अच्छे दिन तो जरूर आ जाएंगे। नंबर 14, हम सभी को बचपन में ये पढ़ाया जाता है कि जब आइज़ैक न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था तो उन्हें ग्रेविटी के बारे में पता चला था, लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो ये प्रूफ करता हो कि हकीकत में वो सेब न्यूटन के सर पर ही गिरा था। हालांकि न्यूटन ने इनिशियल स्टेज पर जब लोगों को ग्रेविटी के बारे में बताना शुरू किया था तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये कहा था कि वो सेब उनके सर पर नहीं बल्कि सामने गिरा था। नंबर 13, आज अगर किसी भी चीज को हमें एक शहर से दूसरे शहर किसी के पास भेजना होता है तो हम उसे तुरंत ही कोरियर कर देते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि साल 1913 तक यूएसए में सामान के साथ साथ छोटे बच्चों को कोरियर करना भी लीगल था, और बहुत सी कोरियर कंपनीज तो ये ऑफर भी दिया करती थी कि अगर आप एक साथ दो बच्चों को कोरियर करेंगे तो वो आपको कोरियर चार्जेस में भी भारी डिस्काउंट देंगी, लेकिन क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड थी तो आगे चलकर इस सर्विस को बंद कर दिया गया। नंबर 12, क्या आपको बताया कि हर साल कई टन फूड सुपरमार्केट से सिर्फ एक टाइम पीरियड के बाद इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को कम करने के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक नया लॉ निकाला है जिसके अकॉर्डिंग अगर सुपरमार्केट में कोई भी फूड नहीं बिक रहा है और उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है तो उस फूड को गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्री में दे दिया जाएगा, और रियली ये चीज खाने को फेंकने से तो लाख गुना बेहतर है। अगर आपको इफेक्ट्स देखने में मजा आ रहा है तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 11, अक्सर लोग अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए उनके ऊपर कलर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने समय में ये चीज जापान में बालों के साथ साथ दांतों पर भी की जाती थी। असल में पुराने समय में जापानीज लोगों का ये मानना था कि अगर वो अपने दांतों को भी ब्लैक या फिर अलग अलग कलर से डाई करेंगे तो वो उनको मजबूत रखने के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी भी रख सकते हैं, और इसीलिए उस समय लगभग हर दूसरा जापानीज इंसान अपने दांतों को अलग अलग कलर से डाई करता था। नंबर 10, आप ये बात माने या फिर ना माने लेकिन एप्पल के आईफोन के पीछे की सक्सेस का सबसे बड़ा राज उसकी क्वालिटी होने के साथ साथ उसका प्राइस भी है। अब क्योंकि आईफोन ऑलरेडी काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है तो ये हमारी सोसाइटी के बीच एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है, जिसके चलते हुए सिर्फ शौक के लिए ही बहुत से लोग आईफोन को खरीदते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जहां दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ एक फोन के बिकने पर 2 से 3 हजार रुपए कमाती है तो वही एप्पल हर एक आईफोन की बिक्री पर लगभग 10 से 12 हजार रुपए की कमाई करता है, लेकिन फिर भी इसकी सेल हर साल बढ़ती हुई चली जा रही है। नंबर 9, इस इमेज को देख
देखिए आपको भी ये इमेज मेरी तरह पहली बार अर्थ की लग रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई अर्थ नहीं बल्कि कैस्पर 442b प्लैनेट की इमेज है, जो कि बिल्कुल ही हमारी अर्थ की तरह दिखता है। लेकिन क्योंकि ये हमारी अर्थ से 61.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी तक हमारे साइंटिस्ट इस प्लैनेट की अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस प्लैनेट पर भी अर्थ की तरह लाइफ मौजूद होगी। नंबर 8, आपको बताया कि साल 1824 में जब सीमेंट को इंग्लैंड में इन्वेंट किया गया था, तो उस समय इसका यूज सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर फैक्ट्रीज को बनाने में किया जाता था, और इसीलिए इस बिल्डिंग जिसे कि सर्वेंट्स कॉटेज कहा जाता है, इसे इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग माना जाता है, जिसे 1854 में बनाकर तैयार किया गया था, जिसके करीब 50 सालों के बाद थॉमस एडिसन ने इस 3D सीमेंटेड हाउस को बनाकर लोगों को ये भी बताया कि आप सीमेंट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के साथ साथ घरों को बनाने में भी कर सकते हैं, और उसके बाद ही आज लगभग सभी घरों को सीमेंट से ही बनाया जाता है। नंबर 7, आधार कार्ड का होना हर इंडियन के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो एक तरीके से आपकी कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब हांगकांग में इसी चीज को एनिमल्स पर भी अप्लाई कर दिया गया है, जहां पर अब अगर आप किसी भी एनिमल को घर में पालते हैं तो आपको उसका भी एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, ताकि उस आईडी कार्ड से उस जानवर की पहचान आसानी से की जा सके। नंबर 6, बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा कम होता है, और ये हाल सिर्फ इंडियंस का ही नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 80% लोगों का है, और इसलिए साल 2019 में यूएसए में एक रिसर्च की गई जिसमें ये बात सामने आई कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बस अपोजिट जेंडर से बात करना शुरू कर देना है, और देखते ही देखते छोटी सी ट्रिक सिर्फ एक महीने के अंदर ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को 90% तक बढ़ा सकती है। नंबर 5, अक्सर हम कोई नई चीज लेने या फिर किसी स्पेशल फेस्टिवल में नारियल को फोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तमिलनाडु के कुरूर जिले में अड़ी पेरक्कू फेस्टिवल में नारियल को कहीं और नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के सर पर ही फोड़ा जाता है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना काफी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि ये मनोकामना पूरा होता देखने के लिए शायद वो जिंदा ही ना बचे। नंबर 4, आज की कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में डॉक्टर की डिग्री लेना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए आज मुश्किल से ही हमें किसी घर में 2 या फिर उससे ज्यादा डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि दिल्ली में एक ऐसा परिवार भी है जिसके साल 1920 से लेकर अभी तक के सभी मेंबर्स डॉक्टर्स हैं, और इसीलिए सिर्फ इस अकेली फैमिली नहीं हमारे देश को 150 से भी ज्यादा डॉक्टर्स दिए हैं। मतलब भाई क्या खाकर स्टडी करते हैं ये लोग। नंबर 3, अक्सर हमें हमारे पेरेंट्स से ज्यादा फोन चलाने पर ये सुनने को मिलता है कि इससे हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आज तक भी मेडिकल साइंस ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि हकीकत में ज्यादा फोन देखने से हमारी आंखें खराब होती हैं। हालांकि ये बात पूरी तरीके से साफ है कि ज्यादा फोन देखने से हमारी आंखों में टेम्परेरी इचिंग या फिर ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर कभी भी हमारी आंखों पर नहीं पड़ता। नंबर 2, आखिर इस कोड को फोन में डायल क्यों नहीं करना चाहिए? असल में बहुत से ऐसे कोड्स होते हैं जिनको कि स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जैसे ही उन्हें एंड्रॉइड फोन के अंदर डायल किया जाए वो आपके फोन की सभी सेटिंग्स को ओपन कर दें। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि ये आपके फोन की रेगुलर सेटिंग्स के अलावा डेवलपर सेटिंग्स को भी ओपन कर देते हैं, यानी कि यहां पर आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स या फिर सेटिंग्स भी देखने को मिलती हैं जिनकी कि नॉर्मली फोन यूजेस में कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए इस मोड को ऑन करने के बाद अगर आप यहां पर मौजूद किसी भी सेटिंग में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका सीधा असर आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर पर पड़ता है, जिससे वो बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जी बात यह है दोस्तों कि इस मोड में आप जो भी सेटिंग्स को चेंज करते हैं उन्हें आप वापस ठीक नहीं कर सकते, और इसीलिए सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए ही इस कोड को डेवलप किया जाता है। नंबर 1, मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रखने से क्या होगा? असल में हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन के मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को हमेशा ही ऑन रखते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आप भी बिना किसी काम के मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को ऑन रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में अपने फोन को डैमेज कर रहे हैं। असल में जब मोबाइल डेटा ऑन होता है तो ना सिर्फ हमारी बैटरी पर अननेसेसरी बर्डन पड़ता है बल्कि हमारे फोन में बहुत सी ऐसी एप्स जो कि सिर्फ मोबाइल डेटा का ही यूज करती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, जिससे मोबाइल हीट होने के साथ साथ उसके प्रोसेसर पर भी अननेसेसरी बर्डन पड़ने लगता है, और अगर ये चीज काफी लंबे समय तक लगातार की जाए तो उस कंडीशन में फोन का हैंग होना, हीट होना और बैटरी का जल्दी खत्म होना काफी ज्यादा कॉमन हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये चीज लगातार कंटिन्यूटी में की जाती है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका फोन उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है जितने अच्छे से उसे वर्क करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो फॉर श्योर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।